हूँ सानिया अजीज से, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया है। उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। ऋषभ कार से अपने घर जा रहे थे और हादसे के वक्त वो बिल्कुल अकेले थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर के पास उनकी मर्सिडीज कार अनियंत्रण होकर रेलिंग से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई और कार जल गई और पलट भी गई थी। उत्तराखंड के डीजी अशोक कुमार ने बताया कि ऋषभ को गाड़ी चलाते वक्त झपकी आ गई थी, इसके बाद वो कार पर नियंत्रण खो बैठे थे। इस हादसे में ऋषभ को सर, पीठ और पैर में काफ़ी चोटें आई हुई है। गाड़ी तेज स्पीड से पहले डिवाइडर के किनारे लगी और लोहे की मजबूत बैरिकेड से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी रॉन्ग साइड में जा पहुंची। ऋषभ पंत की हालत अभी काफ़ी सीरियस है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है।